मसला। और उसके बाद आता है उधर नंदा गुमटी, नंदा गुमटी के बाद आता है पीछे त्रिशूल, त्रिशूल के राइट लेफ्ट साइड में है वो रोंटी पास, और उसके बाद आता है हमारा ये बुग्याल कोटी, जो ये आगे का स्नो वाला रेंज है ना, बुग्याल कोटी, और उसके पीछे है सुनंदा, देन नंदा देवी, एंड उसके बाद जो रिज वाला पार्ट है वो है ऋषिकोट, और ऋषिकोट के फ्रंट साइड में है हनुमान पीक, देन टॉप वाला है हनुमान, ये वाला हनुमान पीक है, कैमरे में दिखेगा ये हनुमान पीक है उसके, हनुमान पीक क्योंकि हनुमान जी आए थे इसलिए वहाँ पे, और उसके पीछे जो ऐसा शिवलिंग जैसा दिख रहा है ना वो है कलिंग, और कलिंग के पीछे की साइड है मोनाल, और उसके ही साइड में है चेंगवेंग, और उसके बाद आता है हमारा नंदा देवी वो द्रोणागिरी सॉरी, और उसके बाद आता है त्रिशूली, नॉट ए त्रिशूल, त्रिशूली, और उसके बाद आता है गरुड़ पीक, गरुड़ के बाद आता है लंपक वन, लंपक टू, और आता है उसके बाद आता है सीधा इधर से ऋषिकुंड है इसके ऊपर, और उसके बाद इधर आके होता है ये है आगे से बर्मल, बर्मल पीक के बाद आता है हाथी और गौरी जिसे घोड़ा पीक भी बोलते हैं, और उसके बाद उसके बैक साइड में है रत्तावन, और रत्तावन के बाद आता है इधर नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद आता है आपका मंदिर, मंदिर के बाद आता है माणा सेकंड, और थर्ड आता है हमारा कामेट, और कामेट के पीछे है जो छोटा सा दिख रहा है वो है मुकुट पर्वत। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद वो वैली जैसा दिख रहा है वो है माणा पास, जो कि हाईएस्ट पास है सबसे, और उस पे है आपका सीधा पालबा पास, जो उसमें है ना लास्ट इधर की साइड छोटा सा पीक दिख रहा है वो वैली में, तो है पालबा पास, पालबा पास के बाद आता है इधर जो स्नो वाला है वो है एवलांच पीक, एवलांच पीक के बाद आता है, उसके बाद आता है आरवा टावर, आरवा टावर के बाद आता है नीलकंठ, और नीलकंठ के बाद आता है चौखंबा, चौखंबा वन, चौखंबा टू, चौखंबा थ्री, चौखंबा फोर, और उसके बाद इधर आता है माणा मेन, वो सॉरी केदारनाथ मेन, जो ये केदारनाथ का पीक है ना तो वहाँ पे आता है, देन उसके बाद आता है गंगोत्री। अच्छा ठीक है, तो इतने पीक है।